प्रोफेसर गायतों के हैं, जो कि अब इस बात का रिसर्च करने के लिए बॉम्बे जाते हैं कि जो कैटास्ट्रॉफी थ्योरी है, विनाशकारी सिद्धांत, इसका उपयोग क्या होता है। यदि पानीपत के युद्ध, थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में इसे लागू किया जाए तो इसका क्या रिजल्ट निकलता, भारत किसकी तरफ बढ़ता। कि कैटास्ट्रॉफी थ्योरी क्या होती है कि जैसे ही परिस्थितियां चेंजेज आती है, होती हैं, स्मॉल चेंजेज इन सरकम स्टांसेज, व्यक्ति के व्यवहार में भी क्या हो जाता है, चेंजेज हो जाता है। और यदि पानीपत के थर्ड बैटल में मराठाज की विजय होती तो भारत का इतिहास क्या होता। इसका रिसर्च करने के लिए रिची बॉम्बे नाउ, अब वो बॉम्बे पहुंच जाते हैं। अब देखो क्या होता है, बॉम्बे को बम्बई भी कहते हैं। ऑन हिज वे टू बॉम्बे फ्रॉम पूना, ओके, कि बॉम्बे से और पूना के रास्ते में देखो एक ध्यान रखना है, वो जीजा माता एक्सप्रेस से है और वो गए थे, और बॉम्बे के रास्ते में उन्होंने प्री इंडिपेंडेंट बॉम्बे की स्वतंत्रता से पूर्व के बॉम्बे को देखा विद एंग्लो इंडियन, आंग्ल भारतीय और यूनियन जैक का मतलब नेशनल फ्लैग के साथ देखा। कि रास्ते में उन्होंने और बॉम्बे से पूना के रास्ते में उन्होंने देखा कि प्री इंडियन बॉम्बे, कि 1947 से पहले के भारत को देखा। वहाँ पर उन्होंने एंग्लो इंडियंस को देखा, आंग्ल भारतीयों को देखा, कि ऐसे ब्रिटिश लोग जो कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ यहाँ आए थे, यूनियन जैक और इंग्लैंड का जो यूनियन फ्लैग है, नेशनल फ्लैग है, उसको देखा। उन्होंने पाया डिफरेंट शॉप्स एंड बिल्डिंग्स है, ऑफिस बिल्डिंग्स, कि काफ़ी शॉप्स को देखा, ऑफिस बिल्डिंग्स को देखा, एंटर द फोर्थ बिल्डिंग। इसके पश्चात उन्होंने एक बिल्डिंग में प्रवेश किया और रिक्वेस्टेड द रिसेप्शनिस्ट, और रिसेप्शनिस्ट से उसे ऑफिस में जो स्वागत करता है उसे पूछताछ की जाती है उससे, और रिक्वेस्ट की टू सी मिस्टर विनय गायतोंडे, कि वो विनय गायतोंडे नामक एक व्यक्ति से मिलना चाहते हैं। उसे महिला ने काफ़ी सर्च की लेकिन इस नाम का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर नहीं था, देयर वॉज नो सच पर्सन, इस प्रकार का कोई भी व्यक्ति वहाँ पर इस नाम का कोई भी व्यक्ति नहीं था।